गाइस, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्रूव कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर आता कहाँ से है। आई थिंक हम लोगों ने वहां पर अच्छे से सीख लिया था सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आता है और क्यों आता है। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। तो गाइस, उसी टॉपिक से एक जीनियस का क्वेश्चन ये है, सर आपने ये तो बता दिया कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आता है, पाई आर स्क्वायर कैसे आता है ये भी बताया, बट सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है ये नहीं बताया आपने। तो गाइस, उसी डाउट को दूर करने के लिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर कहां से आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। आपने नाम सुना होगा रिस्पेक्टेड आर्यभट्ट जी का, आपने रिस्पेक्टेड आर्यभट्ट जी का नाम सुना होगा कि आर्यभट्ट जी जो थे वो उन्होंने अपने आसपास की जितनी भी वृत्ताकार वस्तुएं थी या जितनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स थे उनको ऑब्जर्व किया। क्या किया जो आर्यभट्ट जी थे, कौन थे आर्यभट्ट जी ने अपने आसपास की जितनी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट थी, जितनी भी वृत्ताकार वस्तुएं थी उनको ऑब्जर्व किया तथा ये इस हद तक उन्होंने स्टडी की, इतना अध्ययन किया कि उन्होंने ये देखा कि कोई भी वृत्ताकार वस्तु है, अगर कोई भी वृत्ताकार वस्तु है उस वस्तु की परिधि को उसकी सर्कमफेरेंस को उस वृत्त के व्यास से अगर डिवाइड कर रहे थे इन इंग्लिश वृत्त के सर्कल के डायमीटर से जब भी डिवाइड किया कर रहे थे वो एक वैल्यू पा रहे थे, एक कांस्टेंट वैल्यू पा रहे थे, वो वैल्यू थी 22/7। वो क्या पा रहे थे, जब किसी वृत्त की परिधि को डायामीटर बोले तो डायामीटर। ओके क्लास, आर्यभट्ट जी ने क्या देखा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है 22/7, या अगर इसको डिवाइड करोगे तो आता है 3.142857। फिर से यही वैल्यू रिपीट होती है, आगे भी जाओगे फिर से यही इतनी डिजिट रिपीट होती आती है, इसी का रिपीटेशन होता रहता है। ओके, तो सर्कल कैसा भी हो, सर्कल छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी सर्कल हो, चाहे इतना बड़ा सर्कल हो, अगर उस सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड किया जाएगा तो ऑलवेज ये वैल्यू 22/7 और 3.142857 समथिंग इसी के नियर अबाउट आएगी, यही वैल्यू आएगी। ये चीज आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या चारा काटने की मशीन जानते हो ना, चारा काटने की मशीन जो आती है बेटा, आप उसका डाया नापना, उसका डाया मेजर करना, डाया मेजर करने के बाद उसका सर्कमफेरेंस मेजर करना, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद जितनी भी सर्कमफेरेंस आएगी आप उसको उसके डाया से डिवाइड करना, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 3.14 समथिंग आसपास वैल्यू जरूर मिलेगी आपको। आई मीन 22/7 के नियर अबाउट वैल्यू आपको आई गारंटी आपको मिलेगी, बिकॉज जब तक कोई भी वृत्त पॉसिबल ही नहीं है जिसमें ये वैल्यू ना आए 22/7, अगर उसकी परिधि को उसके सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाता है तो जितने भी सर्कल बनते हैं इसी स्टैंडर्ड पर बनते हैं कि अगर उसका व्यास लिया जा रहा है 7 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर आएगी कुछ भी हो जाए हर हाल में। इसी कॉन्सेप्ट पे जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों के पहिए भी बनते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जब गाड़ी की खोज हुई थी तब हमको नहीं पता था पहिए एकदम गोल होने चाहिए, हमें नहीं पता था।
अगर मान लो पहिया एकदम गोल होगा तभी तो गाड़ी अच्छे से चल पाएगी। अगर मान लो पहिया जो है ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे थोड़ा गोल ना हुआ, थोड़ा मान लो ओवल शेप में हो गया, थोड़ा अंडाकार, थोड़ा ऐसे हो गया, उठ गया इधर, ऐसे पहिया हो, तो ऐसे पहिया अगर किसी गाड़ी में लगा रहेगा गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती, गाड़ी उलट भी सकती है, गाड़ी थोड़ा मतलब जंपिंग करेगी ना, ऐसे जाएगी फिर नीचे से उठा वाला पोर्शन आ गया फिर जंप करेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसी टाइम पे एक कॉन्सेप्ट देखा गया, एक कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट जी वाला कॉन्सेप्ट, कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी पहिया बनानी है, जो भी पहिया हमें बनाना है उसका डायमीटर नापेंगे हम, कि अगर इतने अगर डायमीटर इतना होगा, अगर पहिए का डायमीटर अगर मान लो 7 सेंटीमीटर है, पहिए का डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसका जो राउंड है आई मीन उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट काम करता है कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाने में, कोई भी वृत्त बनाने में, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मान लो हमने कुछ यहाँ पर लिखा है, हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, मान लो कोई अपना सर्कल है, कोई सर्कल है जिसका जिसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो बात, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका क्या निकालना है, हमें इसका अनुपात निकालना है, परिधि और व्यास का अनुपात निकालना है। चलो निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है हमको। देखो परिधि आर कितना दिया है, आर 3.5 है, 3.5 है, आप यहाँ से व्यास निकाल सकते हो, व्यास आई मीन डायमीटर निकाल सकते हो, तो डायमीटर कितना आएगा भाई, डायमीटर हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है ना, रेडियस का डबल होता है, क्या हो जाएगा 2 into 3.5 बोले तो 7 हो गया, क्या हो गया 7 हो गया, और पहले से ही इसका जो पेरिफेरी था आई मीन सर्कमफेरेंस दी हुई थी पी, कितनी थी 22 थी, तो 22 अपॉन में 7 आ गया ना, परिधि दी हुई थी हमने अपॉन में क्या कर दिया, डायमीटर कर दिया। अपने पास दूसरा एक क्वेश्चन है, दूसरा सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस दिया है, सर्कल की रेडियस है 8.75 है, सर्कल की रेडियस है 8.75 एंड सर्कल का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे किसका, परिधि आई मीन सर्कमफेरेंस का एंड डायमीटर आई मीन व्यास का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर, नीचे अपॉन में क्या है, अपॉन में आर आ जाएगा, आर मतलब 2D, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होता है 2D, मतलब आर बराबर क्या होता है बेटा 2D के, सॉरी डी बराबर 2R होता है, तो यहाँ पर डी कितना आ जाएगा 8.75 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 17.5, कितना आएगा 17.5 आएगा, आई मीन 17.5 आएगा बेटा, जब इसको डिवाइड करोगे ना, इसको जब डिवाइड करोगे पता कितना आने वाला है, करो डिवाइड, कितने से कटेगा, डिवाइड करो जल्दी से करो, ये भी आएगा 22/7, कितना आएगा 22/7 आने वाला है, कितना आएगा 22/7 आएगा, ठीक है ना, या पॉइंट में कितना आएगा 1428 ऐसे समथिंग आता जाएगा पॉइंट में, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। ये तो कोई भी आप सर्कल ले लो, मैंने दो सर्कल लिया, एक सर्कल लिया, ये आप साफ साफ दिख रहा है बड़ा सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो गया, आपको परिधि पता है पहले से ही, तो आप रेशियो निकालो, यहाँ पर भी परिधि कितनी है, परिधि है 28 सेंटीमीटर और डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, सॉल्व करो इसको, 2 से डिवाइड कर दो, 44 आया, यहाँ आ जाएगा 14, मतलब आ गया 44 अपॉन में 14, 2 से डिवाइड करो 22 एंड 7 आ जाएगा 22/7, मतलब कोई भी सर्कल हो आप जितना टेंथ में पढ़े हो, टेंथ वगैरह में है ना, नाइन्थ वगैरह में, अब उठाना ऑब्जर्व करना, जितना सर्कल होगा उसके डायमीटर से उसकी परिधि को भाग देना, उसके डायमीटर से उसकी परिधि को भाग देना, ऑलवेज यही वैल्यू आएगी आपको 22/7 या ये सॉलिड वैल्यू आपको मिलेगी हर हाल में। अब देखो ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की, ये बात हो गई रेशियो की क्या, परिधि और डायमीटर की, जब किसी सर्कल के परिधि को उसके डायमीटर से भाग देंगे तो हमें 22/7 मिलता है। अब देखो बेटा पता है क्या हुआ, एक वैल्यू थी पाई, क्या थी पाई, उनको पाई की वैल्यू पता थी, पाई की वैल्यू क्या होती मैं वो भी लिख रहा हूं, है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है हम वो भी लिखेंगे, जो पाई की वैल्यू होती थी यहां लिख रहे हैं, पाई वैल्यू ऑफ पाई यहां लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ पाई 3.14159265 38 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये मतलब पाई की जो वैल्यू है
3.14115, ये वैल्यू खत्म ही नहीं होती, ये वैल्यू खत्म ही नहीं होती, ये वैल्यू ऐसे आती जाती है, मतलब ये जो पाई है, पाई डिविजिबल है ही नहीं है। पाई को बहुत सॉल्व किया है, सुपर कंप्यूटर से सॉल्व किया गया, लेकिन पाई कभी डिवाइड नहीं हुआ। डेसिमल के बाद करोड़ों डिजिट तक सॉल्व किया गया, बट पाई का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, बट अभी पाई के उस वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। अभी हमें कौन सा कॉन्सेप्ट देखना है, हमें देखना है सरकमफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट देखना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जो वैल्यू है 22/7 वाली, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इस वैल्यू और इस वैल्यू में कोई सिमिलरिटी दिख रही है बेटा? वैसे मैथ्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम में हम सॉल्व करते हैं डेसिमल के 2 डिजिट तक ले लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है, हम दशमलव के 2 स्थान बाद तक के अंकों को लेते हैं। लेते हैं या नहीं, बताओ। हम क्या करते हैं, जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्या करते हो, तब हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक के डिजिट को लेते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं, बाकी को हम छोड़ते हैं ना। तो वही होगा यहाँ पर, हमें क्या दिख रहा है, जो यहाँ पर है 3.14 और यहाँ पर 3.14 यहाँ पर है, 3.14 यहाँ पर है, दोनों वैल्यू आपको बराबर दिख रही होंगी, दोनों वैल्यूज बराबर दिख रही है ना। वैसे ऑलमोस्ट जो पाई का मान होता है वो 22/7 के बराबर नहीं होता, हम आपको वो भी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा तो 22/7 का मान ये है और पाई का मान इतना होता है, बट हम मैथ्स में क्या करते हैं, मैथ्स में हम डेसिमल के बाद केवल 2 अंकों तक ही कुछ वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें डेसिमल के बाद में कई सारे डिजिट्स आती है, तब हम केवल डेसिमल के बाद के केवल 2 अंकों को ही कंसीडर करते हैं, बाकी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर हम देखेंगे, डेसिमल के बाद केवल 2 अंक यहाँ पर बराबर है ना, बराबर आ रहे नहीं, मतलब ये इतना 3.14 यहाँ पाई में भी है, 3.14 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है ना, तो इसीलिए इसको पता क्या मान लिया गया, पाई को मान लिया गया परिधि अपॉन में गायब अपॉन में व्यास, परिधि में अपॉन में व्यास, इट मीन सर्कमफेरेंस अपॉन में डायामीटर। ओके ना, क्या मान लिया गया, वैल्यू जो थी सेम आ रही थी, इक्वली में ऑलमोस्ट बोलना, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, जो वैल्यू थी लगभग बराबर आ रही थी, इसीलिए क्या मान लिया गया कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास होता है, पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटे व्यास मान लिया गया, बिकॉज जो पाई की वैल्यू थी और परिधि अपॉन व्यास का जो मान आ रहा था और पाई का मान ऑलमोस्ट सेम आ रहे थे, इसीलिए इसको कंसीडर कर लिया गया पाई, ठीक है ना, इसको इसीलिए कंसीडर कर लिया गया पाई के बराबर, ठीक है ना। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने क्या किया था, आर्यभट्ट जी ने ऑब्जर्व किया था कि जितनी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होती हैं, जितनी भी वृत्ताकार वस्तुएं होती हैं, अगर उसके सर्कमफेरेंस को आई मीन उसके परिधि को उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाएगा तो ऑलवेज एक फिक्स वैल्यू आएगी, 22/7 आएगी, या ये उसको सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। कभी भी आप अपने हाथ में पहनते हो ना राउंड वाला, क्या बोलते हैं जो भी उसको बोलते हो, ब्रेसलेट वगैरह, उसको मेजर करना स्केल से, उसका सर्कमफेरेंस देखना, ऑलवेज यही रेशियो आएगा बेटा, यही रेशियो आने वाला है, हर जगह सेम रेशियो आएगा, कोई भी सर्कल हो, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, ठीक है ना, कोई छोटा सर्कल हो, कोई बड़ा सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो, यही वैल्यू आने वाली है, अगर उसकी परिधि को उसके सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो, ये देख रहे हो ना, यही वैल्यू आएगी 22/7। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को इसी के बराबर मान लिया गया, क्योंकि ये 2 डिजिट तक सेम थे, तो इसको ऐसे मान लिया गया कि पाई बराबर परिधि अपॉन व्यास होता है। और मैथ में क्या होता है बेटा, हम हर चीज मान के चलते हैं, एग्जैक्टली पाई का मान 22/7 नहीं होता, गलत है वो एग्जैक्टली गलत है, बट हम क्या किए हैं फिजिक्स में, मैथ में सब कुछ मान के चलते हैं, मान के सॉल्व करना है, भाई मान लिया गया कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है, कोई पूछे पाई क्या होता है, कोई पूछे क्या होता है पाई, तो क्या बताओगे आप बताओगे पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर ऑफ एनी सर्कल, क्या बताओगे, पाई इज द रेशियो ऑफ, लिख दे क्या, आप बताना, बोल दे रहा हूँ, सुन लो, पाई क्या हुआ, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर ऑफ एनी सर्कल, आई मीन पाई क्या है, पाई किसी वृत्त के परिधि
पाई किसी वृत्त के परिधि तथा व्यास का अनुपात है। पाई क्या है? पाई द सर्कम, पाई द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। किसी भी सर्कल के परिधि को, किसी भी सर्कल के परिधि को अगर उसके व्यास से भाग दोगे तो जो भी मान आएगा वो पाई के बराबर आएगा, जो भी अनुपात आएगा वो पाई के बराबर आएगा, इसीलिए इतना लिख दिया गया। अब आगे देखो, आगे देखो, आई थिंक आपको ये वाला इतना चीज आपको समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटे में व्यास होता है, परिधि बटे में व्यास होता है। हमने क्या बोला, केवल टू डिजिट्स तक ये कंसीडर किया गया था कि दोनों क्या है, दोनों टू डिजिट तक इक्वल है, इतनी चीजें केवल दो डिजिट तक क्या है, इक्वल है, इसीलिए इनको एक दूसरे के इक्वल कर दिया गया, पाई बराबर परिधि बटे व्यास कर दिया गया। बेटा आपको पता होगा व्यास की जगह पर क्या लिख सकते हो, व्यास की जगह पर क्या लिख सकते हो, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आप पुराना टू पाई आर, पाई बराबर क्या होगा, पाई बराबर क्या होगा, ऊपर लिखो परिधि, ऊपर क्या लिखेंगे, परिधि आई मीन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस अपॉन में टू डी, डी मतलब व्यास को डी से डिनोट करते हो, व्यास बराबर क्या होता है, टू इंटू रेडियस, आई मीन यहां पर लिख लो रेडियस एंड यहां पर लिख लो सर्कमफेरेंस, क्या लिख लो, सर्कमफेरेंस। कितनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, आगे चले, आगे चले, लो चलते हैं भाई, आगे आगे चलते हैं। डस्टर का काम नहीं है, हाथ ही डस्टर है, डस्टर खाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है ना। पाई बराबर अपना क्या आ गया, पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस, करा दो मेरा वेट मत करो, मैं तो कराऊंगा ही, क्या आ जाएगा, पाई इंटू टू इंटू रेडियस ही आएगा बेटा। इसी को हम लिखते हैं, इसी को लिखते हैं, इसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। यहीं से आया, यहीं से आया, कहां से आया, यहां से आया, कहां से आया, आपको पता चल गया ना, सीख गए, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आज आपको क्या सीखने को मिला, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किसी भी वृत्त का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर कहां से आया, हमने वो सीखा था। आज हमने देख लिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, आई मीन आज हमने सीख लिया किसी भी वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो क्यों होता है, हमने सीख लिया है, ठीक। चलो यहां लिख देते हैं वृत्त की परिधि बराबर में अपना आ गया 2 पाई आर, दैट्स ऑल। किसके बारे में, यही था सर्कमफेरेंस का राज, कैसे आता है सर्कमफेरेंस। तो सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पाई के नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए पाई के बारे में हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पाई का एकदम पाई के पीछे पड़ चुके हैं हम लोग, पाई का सारा नॉलेज लेके छोड़ेंगे।